तो डिजायर 2 CNG गाड़ी की हेडलाइट देखी, बड़ी अग्रेसिव है लुक गाड़ी की। जो लुक है वो बिल्कुल डिजायर, जो पुराना मॉडल हमारा आता था मारुति का प्रोडक्ट है, वो ही सेम टू सेम मॉडल है। बस इसमें कुछ खास बात यह है कि ये स्पेशल फॉर टूर के लिए बनी हुई है। स्पीडो लिमिट, स्पीड लिमिट फंक्शन के साथ, एक्स्ट्रा ड्राइविंग कम्फर्ट, लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, पावरफुल इंजन और BS6 कंप्लेंस के बाद एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम आ जाता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर, टायर देखिए, टायर का साइज भी बड़ा होता है। ड्राइविंग साइड एयर बैग आ जाते हैं, काफ़ी फीचर्स गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। ये डोर हैंडल जो आते हैं ब्लैक कलर के आते हैं, बाहर वाले जो शीशा होता है ORVM वो भी ब्लैक कलर में आपको मिलेगा। ये आपको जो है CNG के लिए जो फिलअप करानी होती है वो आपको मिल जाता है यहीं पे पेट्रोल टैंक के साथ ही। CNG का भी टैंक यहाँ पे अवेलेबल है। पीछे की हेडलाइट्स भी सेम टू सेम डिज़ायर की तरह ही है, बट रिवर पार्किंग सेंसर भी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। ये CNG का जो टैंक है ये देख लीजिए, ये कंपनी फिटेड आता है, कंपनी से जो फिटेड होकर आता है मारुति की तरफ से वो ही इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे स्टेपनी की जगह दी हुई है, काफ़ी स्पेशियस है, पीछे से भी स्पेशियस है, टैंक के बाद भी काफ़ी स्पेशियस इसमें जगह रह जाती है, जो बोर्ड स्पेस है। हेडलाइट, ये बैक की जो लाइट्स हैं ये देखिए, लोगो लगा हुआ है Dzire 2S। इसकी जो खास बात मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर जो स्पीडो मीटर लगा हुआ है, उस मीटर की मैं बात करूँ तो वो 80 से ऊपर गाड़ी को जाने नहीं देता अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके, तो ये टूर पर्पज़ के लिए बनाई है। बाहर वाले जो और इसके हैंडल हैं वो भी आपको पीछे की तरफ भी ब्लैक में मिलेंगे। और ये स्पेस देख लीजिए, गैस का जो सिलेंडर है, फायर का सिलेंडर भी साथ में मिलेगा। ये आपको इसका जो लगेज होता है साथ में, टूल्स एंड ऑल जो किट होती है वो सभी इसमें अवेलेबल मिल जाती है। इसका जो माइलेज रहेगा पेट्रोल में 90.95 किलोमीटर का रहता है, और CNG में जो रहेगा वो रहेगा 26.53 किलोमीटर का। ओके, सो गाड़ी की आगे आगे की बात करेंगे। यहाँ पे भी जो ड्राइवर साइड का जो बाहर वाला वो मिलेगा, हैंडल मिलेगा वो ब्लैक कलर का मिलेगा। फ्रंट की 2 पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग जो होगा वो भी फ्रंट से ही रहेगा। ये देखिए आपको दिखाएंगे, ये जो बूट स्पेस खोलने के लिए और फ्यूल टैंक खोलने के लिए यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ये रिवर्स पार्किंग सेंसर के लिए, ये आपका देखिए मीटर, स्पीडोमीटर इसके अंदर लगा हुआ है। 80 से ऊपर गाड़ी जाते ही बीप करने लग जाता है, ये 80 से ऊपर जाती ही नहीं है। 5 स्पीड में आपको मिलेगी AC हीटर, पावर स्टीयरिंग गाड़ी के अंदर मिल जाता है। आपको USB कनेक्टिविटी मिल जाती है, AC आ जाता है, आपको USB कनेक्टिविटी के लिए मिल जाता है, चार्जिंग का प्लग मिल जाता है 12 वोल्ट का, हैंड ब्रेक एंड ऑल, 5 स्पीड, कम्फर्ट सीट के साथ गाड़ी मिल जाती है। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम भी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, और भी काफ़ी फीचर्स है गाड़ी के अंदर। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, ओनली फॉर टूर पर्पज़ जो ओला उबर में चलते हैं, ओला उबर में ज़्यादातर गाड़ी यूज़ होती है। ओला उबर जैसे चंडीगढ़ बड़ी बड़ी सिटीज़ में चलते हैं। ये 3 पॉइंट सीट्स, बेल्ट सेंटर 2 पॉइंट्स में रहेगी, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, डोर लॉक आ जाता है, स्पीड सेंसिटिव ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाता है, लाइट ऑन रिमाइंडर आ जाता है। काफ़ी इसमें आपको फीचर मिल जाते हैं, और अपने आप में ब्रांड है गाड़ी, क्योंकि ओनली फॉर टूर पर्पज़ के लिए मारुति ने इसको डिज़ाइन किया है, ओनली फॉर टूर पर्पज़। क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है ऑल ओवर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, दिल्ली एंड बड़ी सिटी जो चंडीगढ़ से ऑल में सबको आपको मिल जाती है। ये गाड़ी काफ़ी देखने को मिलेगी आपको टूर पर्पज़ के लिए, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। पुरानी गाड़ी जो हमारी डिज़ायर आती थी उसी का डिज़ाइन सेम टू सेम है, इसको टूर में बनाया है ओनली फॉर टूर पर्पज़, एंड दैट्स अ गुड। और कम बजट में आपको गाड़ी मिल जाती है, ज़्यादा कोई महंगी गाड़ी।